आज मैं तरबूज के छिलके की मिठाई बनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने तरबूज के छिलके का हलवा बताया था, तरबूज के छिलके की सब्जी बताई थी, आज मैं एकदम नए तरीके की मिठाई बताने वाली हूँ। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये तरबूज के छिलके लिए, मैंने इनको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। इसका जो रेड वाला हिस्सा है मैं इसे स्पून की सहायता से हटा दूंगी। स्पून से हटाइए या चाकू की मदद से हटाइए। इसका पीछे का डार्क ग्रीन हिस्सा उसे भी हमें हटा लेना है। ये पीलर की सहायता से मैं हटा दूंगी। सारे छिलके मैंने साफ कर लिए हैं और एक पैन लिया है मैंने, पैन में पानी गर्म कर लिया है। अब इन सारे छिलकों को इस पानी में मैं डाल दूंगी। अब इन्हें हम 10 मिनट उबालेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इनका कलर ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो मैं इन्हें चिमटे की मदद से निकाल लूंगी। मैंने एक पैन ले लिया है, अब इसमें मैं 1 कप चीनी डाल लूंगी। हमें 2 कप पानी डालना है। अब इसमें मैं ग्रीन फूड कलर डालूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं 2 इलायची डालूंगी, इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। चीनी हमारी घुल गई है, अब इसमें मैं अपने तरबूज के छिलके डाल दूंगी। अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट हम पकाएंगे ताकि इसमें चीनी और कलर दोनों ही चढ़ जाए। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है और 100 ग्राम खोआ लिया है। ये मैंने घर में ही बनाया है, आप बाजार से भी ला सकते हो। अब आप खोए की जगह मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और मिल्क पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल के आप यूज कर सकते हैं। खोआ मेरा मेल्ट हो गया है, अब इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच गुलकंद डालूंगी। आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, उसकी भी स्टफिंग कर सकते हो। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्टफिंग मेरी तैयार है, अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे निकाल दूंगी। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब ये हमारे छिलके ठंडे हो गए हैं। अब एक टूथपिक की सहायता से मैं इसमें छेद कर दूंगी। 2 किनारों पे हमें छेद करने हैं। अब इसमें हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। अब इन किनारों को जोड़ लेंगे और एक लॉन्ग की सहायता से सिक्योर कर देंगे। मिठाई बनकर हमारी तैयार है। इस तरह से मैं सारी मिठाइयां तैयार कर लूंगी। मैंने सारी मिठाइयां तैयार कर ली हैं, तो देखिए ये कितनी सुंदर लग रही हैं। कोई कह सकता है कि ये तरबूज के छिलके की बनी है। इस तरह की मिठाई अगर आप मेहमानों के सामने रखोगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगी। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।